So in last class we have done the basic introduction about the economics and we have discussed about the what the chapters we are going to study in economy. So basically we have to do about the economics and economy. तो economics क्या है सबसे पहले? What is economics? अर्थव्यवस्था. Does the economics means the study of money? क्या इकोनॉमी पैसे का स्टडी है? पैसे के बारे में कि कैसे चलाना है, कैसे संभालना, कैसे खर्च करना है, तो वो पैसा ही पढ़ना है. तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? है नहीं, बिकॉज इकोनॉमी पैसा जब मार्केट में आया उससे पहले भी इकोनॉमीज थी, बार्टर सिस्टम था. तो बार्टर सिस्टम था तो मतलब इकोनॉमी भी होगी. तो क्या इकोनॉमी का मतलब पैसा नहीं है या पैसे की स्टडी नहीं है? क्लियर? पैसा एक चैप्टर है हमारे इकोनॉमी में, वो जरूर हम पढ़ लेंगे, बट द होल इकोनॉमी डजंट डिपेंड ऑन मनी. क्लियर? सो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज इट इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. समझ? जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, वो सर्विसेज हैं, इनका हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये लोग कैसे कहां क्या करते हैं. जब हम ये सारी बातें कर लेते हैं दैट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमी. क्लियर? ये अब प्रोडक्शन होगा, गुड्स होंगी और सर्विसेज होंगी. क्लियर? तो प्रोडक्शन के लिए या गुड्स के लिए हमको क्या चाहिए? वी नीड सम रिसोर्सेस. भाई बिना रिसोर्स के क्या आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हो? कोई प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, इसी में आप ये भी कह सकते हो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन. ठीक है, कंज्यूम भी तो करते हैं हम लोग चीजें, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब मैंने कहा कि ये इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, सोर्सेस चाहिए या रिसोर्सेस चाहिए. तो हम लोग कहें कि रिसोर्सेस के बिना इकोनॉमी पॉसिबल होगी? ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस. स्कार्स रिसोर्सेस से मतलब आप समझते हो? टू मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है भाई, कोई भी काम आप कर रहे हो अगर उसमें ह्यूमन वेलफेयर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं. भाई हमारे काम की चीज नहीं तो फिर हमें इससे क्या मतलब होगा? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम इन सब चीजों की बात करें तो हमारे लिए रिसोर्स की जरूरत है. तो हम दूसरे डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस. ऑप्टिकल मतलब समझ, ऑप्टिमल मतलब समझ रहे हो? ऑप्टिमल मतलब बेस्ट यूज, ऐसा यूज करना है कि सबको मिल जाए. और क्या स्कार्स रिसोर्सेस मतलब? वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेस. हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस हैं. भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, रिसोर्सेस कम है. तो हम उन लिमिटेड रिसोर्स को ऐसा यूज करें कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके. दैट इज इकोनॉमिक्स.
क्लियर। और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है, तो एज इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1776 में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आ गया था, ठीक है, विच वॉज एक्सप्लेन बाय एडम स्मिथ। और इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने क्या किया है? एक बुक भी लिखी है एडम स्मिथ ने, उस बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर। और इसी बुक में इन्होंने क्या थ्योरी दी है? लेसेस फेयर का थ्योरी दिया है। थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर इज गिवन इन दिस बुक। और क्या दिया? साथ में इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी भी बताया। मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो चीजें महंगी हो जाएंगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी इज ऑल्सो इलेबरेटेड बाई एडम स्मिथ। ये बात क्लियर। तो एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या अदर लैंग्वेजेस में हम कहें रिसोर्सेज का बेस्ट वे से एलोकेशन किया जाए टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन वेलफेयर। भाई ये जो सर्विसेज हो रही है ये भी किस लिए है? ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो रहा। प्रोडक्शन भी होता है किस लिए होता है? ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो होगा। भाई हम कोई चीज बना रहे तो अपनी भलाई के लिए बनाते। भाई शुरुआत में हाथ वाले पंखे चलते, तब इलेक्ट्रिक फैन आ गए। क्यों? जब हम हाथ से पंखा नहीं करेंगे, छत पे पंखा चलेगा, अपने हाथों से दूसरा काम कर सकते। हमने अपना इफिशियंसी बढ़ा ली, इफिशियंसी बढ़ाई तो अपना काम भी और ज्यादा अच्छे से कर सकते। क्लियर। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत आ गई? और क्या कहा? और एडम स्मिथ ने ही इसको कहा साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, एडम स्मिथ डिस्क्राइब इकोनॉमी एज साइंस ऑफ वेल्थ। बट ये याद रखिएगा, ये साइंस नहीं है। इकोनॉमी इज नॉट अ साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी, हम सभी को जहां लेकर चल रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग अलोंग विद द सोसाइटी, दैट्स व्हाई इट इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देन इसके बाद हमने क्या बताया? इकोनॉमिक्स में हम दो सेक्शन पढ़ते हैं। एक आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में बेसिकली आपको डिफरेंस जानना है। तो पहली बात तो ये, माइक्रो है क्या? जब भी हम किसी सिस्टम में किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे, द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। मैं कहूं कि अश्वनी का इनकम कितना है? इतना है। सिर्फ अश्वनी की इनकम की बात कर रहा हूं। और फिर मैं वही कहूं दूसरी तरफ पूरे क्लास की इनकम की बात करूं तो क्या होगा? द स्टडी ऑफ द होल क्लास इज द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लास एज अ होल। और जब हम अश्वनी की बात करें तो अश्वनी अकेले है। और जब मैं अश्वनी की अकेले बात करूंगा, दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। और वहीं दूसरी तरफ क्या है? व्हेन वी स्टडी अबाउट एनीथिंग एज अ होल, जब मैं होल की बात कर रहा हूं, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। यहां तक किसी को डाउट है? तो माइक्रो और मैक्रो की मैंने बात की। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये माइक्रो में आप लिख सकते हो इट इज द, अच्छा ये थोड़ा नोट करना है, कर लो, फिर इसके बाद माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, सो यू हैव टू राइट अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन यू विल राइट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, that studies the behavior of individual, that studies the behavior of individual economic unit
इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। क्लियर? एग्जाम्पल में इसके बात करोगे तो मैंने क्या बताया, पर्सन ऑफ अ इनकम, इनकम ऑफ अ पर्सन, एक बंदे की जब इनकम की बात कर रहा हूंगा तो क्या होगा, माइक्रो में आएगा। देन आउटपुट ऑफ अ फर्म या प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट की मैं प्राइस की बात करूंगा तो इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, किसी फर्म की बात कर रहा हूं तो वो इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, किसी बंदे की बात कर रहा हूं अकेले तो भी क्या है, इंडिविजुअली। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव टू राइट, इट स्टडीज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इट स्टडीज एन इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, एज अ होल, इट स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओवरऑल एग्रीगेट एंड एवरेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर? इट टेक्स इनटू अकाउंट ओवरऑल एग्रीगेट एंड एवरेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आप पढ़ते हो नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, या जीडीपी की बात करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, हम पूरे नेशन की बात कर रहे होंगे, नेशनल इनकम बात कर रहे हैं तो पूरे नेशनल की, नेशन की इनकम की बात कर रहे होंगे। देन प्राइस लेवल की बात करें, ठीक है, प्राइस लेवल मतलब समझ रहे हो, कब इन्फ्लेशन आ रहा है सभी चीजों का, कब सभी चीजों का नीचे जा रहा है। प्राइस लेवल में बात करूं तो मैं एवरेज प्राइस लूंगा सबका। क्लियर? दैट विल बी कंसिडर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्जांपल में क्या है, नेशनल इनकम, जीडीपी एंड प्राइस लेवल। क्लियर? तो ये जो हमने डिस्कस किया, दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स, हमने जो डिस्कस किया दैट इज इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी द इकोनॉमी, हमको जो पढ़ना है वो क्या है, इकोनॉमी पढ़ना है। एंड इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज द अप्लाइड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हो रहा है, जो बिहेवियरल वे है, दैट इज इकोनॉमी। क्लियर? इकोनॉमी इज द अप्लाइड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? या हम कह दें प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ गिवन रीजन, तो जब कंट्री में प्रोडक्शन होगा तो उसका प्रोडक्शन का कुछ कॉज होगा और उसके लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज हो रही, तो दिस इज अप्लाइड वर्जन है ना ये। सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ गिवन रीजन कैन बी सेड इकोनॉमी, या दूसरी लैंग्वेज में मैंने दूसरा डेफिनेशन क्या दिया, अप्लाइड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमी। क्लियर? फिर इसके बाद और हमें कुछ बात करनी है, जैसे क्या, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो मर्केंटाइलिज्म स्टार्ट हुआ, मर्केंटाइलिज्म, ठीक है, मर्केंटाइलिज्म क्या बात करें कि जैसे जैसे कंट्रीज बढ़ती गई, नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ती गई, तो कुछ कंट्रीज डेवलप थी, कुछ कंट्रीज अनडेवलप्ड थी, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए मार्केट बहुत बड़ा हो गया, उनके लिए जब मार्केट प्लेस बढ़ गई तो उन्होंने मार्केट पे फोकस तो किया, बट उनका फोकस ज्यादा क्या होता था, उनका फोकस एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता था, कि मैं जितना बेच सकूं, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर? दे फोकसेस ऑन मोस्टली एक्सपोर्ट एंड मिनिमम इंपोर्ट। क्लियर? और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइलिज्म। क्लियर? मर्केंटाइलिज्म क्या है, लोगों के पास पैसा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, मिनिमम इंपोर्ट है। इसी तरीके से होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में भी क्या है, क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कोई भी कंट्री क्लोज इकोनॉमी कब होगी, जब पूरे वर्ल्ड से वो रिलेशन खत्म कर दे, या बेसिकली हम कहते हैं वो किसी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना कर रहा हो, दैट कंट्री इज अ क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कोई भी कंट्री जब किसी से ना कोई इंपोर्ट कर रहा हो ना ही कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो तो वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी। वही दूसरी ओपन इकोनॉमी है, वो क्या है, वो कहता है ठीक है जो भी आएगा हम सबसे व्यापार कर लेंगे। बट इंडिया जो है, इंडिया क्या करता है, इंडिया इज इन बिटवीन, ना ही वो कंप्लीटली क्लोज है ना ही ओपन है, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया क्या करता है, कुछ जगह से ओपन ट्रेड कर रहा है, कह रहा है ठीक है आपसे मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ कंट्रीज के साथ वो कहता है नहीं करेंगे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन टर्म्स को आप धीरे धीरे और भी समझते जाओगे,
क्लियर। अभी मैंने आपको जैसे जीडीपी बताया, नेशनल इनकम बताया, पर कैपिटा इनकम बताऊंगा, तो इन सब चीजों को जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे तो इनका एलिब्रेशन मैं आपको और करता जाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। क्लियर। अगर जैसे अभी मैं कोई टर्म यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के वो चैप्टर में कवर होगी। मैंने अभी जीडीपी आपसे यूज किया, जीएनपी यूज किया, तो जब मैं इन सब की बात कर रहा हूं तभी तो आपको पता नहीं है। क्लियर। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी एक एक चीज। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और इकोनॉमी में आप कोशिश करें कि डेटा को बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डेटा टू लर्न। भाई आप ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है आपके सिलेबस में पढ़ने को, यहां भी डेटा आपको पढ़ना नहीं है, बस एक रीडिंग मारनी होती है हमें। आप ओवरऑल क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि बढ़ा या घटा। और दो तीन रिवीजन के साथ साथ आपको क्या होगा, चीजें अंदर जाने भी लगेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार पता, मैंने एक दिन आपको डेटा दे दिया, कोई टेबल बनवा दी, तो आप डेटा आपको फोकस कर रहे लर्न करने पे। भाई वो लर्न करके कितना लर्न कर लोगे, बहुत सारे डेटा। क्लियर। तो आप इकोनॉमी में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक आप जाएंगे, इससे आपके सभी एग्जाम्स क्वालिफाई हो रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा पहला चैप्टर क्या है, मैंने क्या लिखवाया है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से पहले लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, then determinants of economic development, and last one is developmental goals। भाई indicators में आप पढ़ते हो human development index, hunger index, बहुत सारे आप indexes पढ़ते हो, ये क्या इंडिकेटर्स हैं कि आपकी हालत कैसी है। क्लियर। और वही क्या डेवलपमेंटल गोल्स, पहले हम लोग फॉलो करते थे मिलेनियम, ठीक है, गोल्स, अभी हम लोग क्या करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लियर। अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो ऑल वी विल डिस्कस इन दिस, और धीरे धीरे आपका सब कुछ कंप्यूटर है, और इकोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्लियर। ऐसा अक्सर लोग मानते हैं इकोनॉमी, मैंने जनरल स्टडीज में देखा है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाकी सब्जेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन इकोनॉमी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, कि वो बोलते हैं कि बहुत मेजर मेजर सेक्शन कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट कर लूं। तो अगर आप मेरे साथ बराबर कर रहे हैं तो आपको ये इशू नहीं होगा, बस यू हैव टू डू द रेगुलर रिवीजन। अगर आपने आज की क्लास खत्म की है तो कल जब भी आप क्लास में आए तो कोशिश करें आप पहले वाला रिवीजन करके आए। अगर आपका रिवीजन टूट रहा है, कनेक्शन टूटता है, लिंक्स टूटते हैं दो कॉन्सेप्ट के बीच में, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिंक्स थोड़ा सा बनाए रखूं रिवीजन के साथ, और आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि सब कुछ हो जाए, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है और हमको टाइम पे कवर करना है, तो बहुत ज्यादा रिवीजन भी क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इट इज अ प्रोसेस रिफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्या लिख सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखो है क्या, ये ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो क्या है, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, क्या हो, गुड्स और सर्विसेस का प्रोडक्शन एक्चुअल में बढ़ रहा हो, ठीक है, विद टाइम हो सकता है. देखो यहां पे जो इकोनॉमी में टाइम है, ये टाइम फिक्स नहीं है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड, क्लियर. क्योंकि जो महंगाई हम पिछले 50-70 सालों में नहीं बढ़ी थी, 2014 के बाद जस्ट दुगनी हो गई है ऑलमोस्ट, क्लियर. अगर आपने डेटा देखे हो तो महंगाई आपको यहां से भी पता चल जाएगी. तो 2010 के बाद से मान सकते हैं कि महंगाई क्या हुई, अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी. तो 2010 से लेकर 2023 तक कितना टाइम हुआ, 13 साल. वहीं आप पिछला देखो तो पिछले समय महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी. तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इट इज नॉट फिक्स, इट कैन बी अ टेन्योर ऑफ फ्यू इयर्स और मेनी इयर्स. नहीं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब कहीं बढ़ जाए किसी इकोनॉमी में तो हम उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना क्या चाहिए, सपोज दैट ये आपका ईयर था 2021 एंड 22, ठीक है, ठीक है. आप अपने किसकी बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के टर्म में हम बात करते हैं. सपोज दैट आप क्या कर रहे थे, आप 100 पेंस बना रहे थे, 2021 और 22 के बीच में आपने 100 पेंस बनाए और इनका प्राइस क्या था, 10 रुपीज. तो आपने टोटल कितना काम किया, किया 1000 रुपए. वही जब आप 22 और 23 में आए तो यहां पे दो चीजें हो सकती थी. हाँ, पहले क्या हुआ, पेन तो आपके 100 ही रहे और प्राइस क्या हुआ, 11 रुपया हो गया, 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, 1100. वही दूसरी तरफ क्या हुआ, ये दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, क्वांटिटी आपकी 100 रहे, नहीं सॉरी, क्वांटिटी 110 हो जाए और प्राइस कितना रहे, 10 रहे. तो अभी भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1100 मिलेगा. तो वास्तविक रूप से महंगाई कहां बढ़ रही है, यहां महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन कहां बढ़ा, प्रोडक्शन यहां बढ़ा, ठीक है. तो ये क्या है, ग्रोथ तो हम दोनों को ही कहेंगे, तो दोनों में ही पैसा बढ़ गया. बट ये जो ग्रोथ है ये है नॉमिनल ग्रोथ. ये क्या है, नॉमिनल ग्रोथ मतलब नाम के लिए. और ये क्या है, एक्चुअल ग्रोथ यानी रियल ग्रोथ, क्लियर. तो जब रियल ग्रोथ होगी तभी हम उसको रियल मानेंगे. मतलब आपका क्या हो, तो ऐसे ही आपकी जीडीपी भी होती है. तो जीडीपी कैसी, रियल जीडीपी जब आपकी बढ़ेगी तभी आप मानोगे क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, क्लियर, ठीक है. तो क्या कह सकते हैं, दूसरे टर्म में अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ refers to persistent increase in real GDP. क्या है, persistent increment हो रहा हो किसमें, हो real GDP और real per capita income. हर person की जो salary है actually क्या हो, actual बढ़ रही हो. जैसे क्या मैं बताऊं, salary का example दू, एक बंदा था उसकी salary थी 1000 रुपए. अरे 1 लाख मान लो भाई, ज्यादा चाहिए तो 1 लाख उसकी सैलरी थी. अब 1 लाख सैलरी में उसने क्या किया, 10% महंगाई बढ़ गई. अगले साल क्या हुआ, उसकी सैलरी 2021 और 22 में उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, और 22 और 23 में क्या हुआ, उसकी सैलरी बढ़ गई 1 लाख
10,000 हो गई। बट इवेंचुअली इसी समय क्या हुआ, महंगाई भी यानी इन्फ्लेशन भी कितना हुआ, 10% बढ़ गया। तो क्या ये उस बंदे की एक्चुअल ग्रोथ बढ़ी? नहीं बढ़ी भाई। उस पहले हमको घर से 10 रुपए दिए जाते थे, ठीक है, 10 रुपए की चॉकलेट मिल जाती थी। अभी क्या हुआ कि एक महीने बाद मुझे घर से 15 रुपए मिले कि भाई चॉकलेट ले लेना। लेकिन अब की बार जब मैं दुकान गया तो मुझे चॉकलेट कितने की मिली, 15। मैं घर पे तो बहुत खुश हुआ कि 5 रुपए आज बच जाएंगे, बट दुकान जाने के बाद पता चला 5 रुपए नहीं बचे। तो मतलब हमें तो लग रहा था घर से पैसा बढ़ के मिला है, लेकिन सच्चाई क्या थी, महंगाई बढ़ी थी, घर से पैसा नहीं मिला था बढ़ के, चॉकलेट ही महंगी हो गई। तो हम किस टर्म में बात कर रहे हैं, जब रियल ग्रोथ हो तभी हम कहेंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है? तो यू कैन राइट, लिखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू परसिस्टेंट इंक्रीज इन रियल जीडीपी, परसिस्टेंट इंक्रीज इन रियल जीडीपी और रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब समझते हो, प्रति व्यक्ति आय। रियल पर कैपिटा इनकम में जब एक्चुअल ग्रोथ हो रही हो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अच्छा, अगर हमको पर कैपिटा इनकम काउंट करनी हो, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यू विल गेट योर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम लिखा है ना, पूरे नेशन की आपको पैसा गिनो, किसको कितना पैसा आ रहा है, सब पैसा काउंट करने के बाद यहाँ पे सब गिने जाएंगे और कितनी पॉपुलेशन है सबसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, जो सबका एवरेज निकलेगा दैट विल बी योर पर कैपिटा इनकम। ये बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ में? नाउ नेक्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो भैया, हमने क्या किया, प्रोडक्शन खूब किया, बनाया सब कुछ, लेकिन अगर वेलबींग ना हो, ह्यूमन वेलफेयर ना हो, तो किसी काम का है भैया? हमारे तो किसी काम का नहीं रहे। ठीक है, घर में अगर खूब पैसा आ रहा है बट खूब पैसा आने के बाद भी हमें नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, कोई फायदा नहीं है। लाइक अगर किसी के फादर अच्छी जॉब में है तो फ्रेंड्स बोलते हैं तेरे फादर तो ये अच्छी जॉब कर रहे हैं, पार्टी दे, बट उन्हें क्या, उधर पापा ने तो पैसे नहीं दिए। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही? तो क्या होगा कि जब वेलफेयर ही ना हो रहा हो किसी का, तो फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है, बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अकेले हो तो हमको मजा नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या करें, इसको जोड़ दें हम ह्यूमन वेलफेयर से, लोगों की भलाई से जोड़ दें। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों की भलाई से जुड़ जाए या इंप्रूवमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ पीपल हो जाए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, ये बात समझ रहे हो? सरकार खुद पैसा बनाती है, लेकिन सरकार फिर क्या करती है, आप लोगों को फ्री में राशन दे देती है, सब्सिडाइज गैस आइटम्स मिलते हैं बहुत सारे, सब्सिडीज मिलती हैं, फिर पेंशन मिलते हैं। भाई वेलफेयर ही तो कर रही सरकार, पेंशन, ओल्ड पेंशन, भाई बुढ़े लोग हो जाते हैं उनको कुछ पेंशन आती है। ठीक है, फिर बोले अभी हम लोगों का बेरोजगारी भत्ता चाहिए, दैट वी आर अनएम्प्लॉयड, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन दो, तो वो ये ठीक है भैया देते, सरकार बोलती है आप अपना फॉर्म भरो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्लियर, ये बात समझ आ रही? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज
accompanied by improvement of well-being of people. जब लोगों की हम भलाई की बात करने लगे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर? ठीक है. या हम कह सकते हैं चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. भाई हम समाज की बात कर रहे हैं तो सोशल, और इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के स्ट्रक्चर में अगर सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, दैट विल बी योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट कैसा? अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं. क्लियर? ये बात समझ में आ रही? भाई क्या है, लोगों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया जा रहा है. भाई आपकी हेल्थ के लिए भी तो पैसा आ रहा है, सरकार दे रही है, आयुष्मान योजना चला रही है. ठीक है, एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन है अप टू 6 क्लास से, मतलब 14 इयर्स तक. उसके बाद भी क्या है, और भी एजुकेशन की स्कीम्स है. तो बहुत सारी एजुकेशनल स्कीम, पेंशन स्कीम, देन सब्सिडीज, तो ये सब क्या है, दीज आर डन फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी. क्लियर? और ये कैसे पॉसिबल है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉसिबल है. तो अगर हम दोनों की बात करें, एक तरफ मैं ले लूं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी तरफ ले लूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किस पे फोकस करते हैं? वी ओनली फोकस ऑन प्रोडक्शन. भाई प्रोडक्शन पे ही बढ़ गया हमारा, हम बस इतना कहते हैं हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमें दुनिया से मतलब नहीं. बट जैसे ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहां क्या है, प्रोडक्शन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का वेलफेयर हो, तो यही क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात एक समझ में आ गई. दूसरी क्या है, जब ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? ग्रोथ की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ. जब प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन तो हम हमेशा काउंट कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज क्वांटिटेटिव. बट अगर इसकी बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा या बोथ होगा? इट इज ओनली क्वालिटेटिव. प्रोडक्शन तो एक मींस है हमारे लिए, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आप कभी नंबर्स में नहीं मान सकते हो. भाई आप पढ़े लिखे हो, लेकिन कितना पढ़े लिखे हो हम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे. क्लियर? तो क्या है, इट इज क्वालिटेटिव. ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. और ये क्या है, ये यूनिडाइमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल है? भाई एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, दैट मींस इट इज अ यूनिडाइमेंशनल प्रोसेस, ये यूनिडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट. और ये क्या है, क्या प्रोडक्शन तो बढ़ जाए ठीक है, बट लोगों का एजुकेशन बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक है, लोगों को इजीली एसेसिबिलिटी हो जाए, तो क्या है, एक काम पे तो नहीं फोकस कर रहा, सभी चीजों पे फोकस कर रहा, दैट इज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. ये क्या है, मल्टी क्लियर, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. क्लियर? और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इट इज अ मीन. ठीक है, ये सिर्फ एक माध्यम है. क्लियर? इट इज अ मीन. क्लियर? मीन कह सकते हैं या कह सकते हैं हम प्रोसेस, इट इज अ मीन और प्रोसेस. ये क्या है, इट इज एन आउटकम और एंड. एंड मतलब क्या है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है. अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा, दैट ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. अगर हम उसको नहीं अचीव कर पा रहे, दैट मींस वी आर अनेबल टू अचीव इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम तब तक नहीं अचीव करेंगे जब तक हमारी सोसाइटी का वेलफेयर ना हो रहा हो, ठीक है। सिर्फ ग्रोथ से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, क्लियर। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना हो सकती है? हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल है? बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। इट कैन बी रेयरली अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत रेयरली ऐसा होता है, हजारों लाखों बार में एक बार ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। सो रेयरली कैन बी अचीव विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लियर। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए एग्जांपल है आपके कौन कौन से? रियल जीडीपी, बताया था आपको भाई, ग्रोथ मेजर करने के लिए जीडीपी मेजर कर लो, रियल पर कैपिटा इनकम, दीज आर योर एग्जांपल। बट वहीं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये सब क्या है? दीज आर योर इंडाइसेस विच इंडिकेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें पता कैसे चलेगा भाई डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा? तो हमने कहा भैया कितने लोग खुश हैं और कितना खुश है, ठीक है। जैसे कानपुर आपका क्या है, इज द हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने किसे मेजर किया? ये क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है। और गुटखा खाने वाले वजह से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो दीज आर योर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली फोकस इज ऑन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्लियर। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेज ऑन, अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ इट फोकसेज ऑन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अकेले कोई काम नहीं करेंगे, बिना सोसाइटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। इसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ। योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ को बेसिकली लोग रिलेट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। Somewhat it is like economic development, but it is a completely different. कहने को तो कह सकते हैं क्या है ये economic development है, but ऐसा है नहीं। तो heading डाल लो inclusive growth. ठीक है, तो इसका जो definition दिया ये दिया है UN DP, United Nations Development Program, ठीक है। तो according to UNDP, it is a process as well as an outcome where all groups of people have participated participated in organization for growth
एंड इक्विटेबली प्रॉफिटेड फ्रॉम बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो किस पे फोकस है, इसका फोकस है पार्टिसिपेशन पे, क्लियर, पार्टिसिपेशन पे फोकस है। तो क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके पार्टिसिपेशन करके उसकी ग्रोथ भी कराएं, और जब उसकी ग्रोथ हुई तो उससे जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को सब में बराबर बांट लें, क्लियर, ये बात समझ में आ रही भाई। देखो आपके दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, एक बताया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियर, और दूसरा बताया इंक्लूसिव ग्रोथ, एक बताया इंक्लूसिव ग्रोथ, एक बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो चीजें मैंने बताई। अभी आपको लग रहा है भाई वहां भी भलाई की बात कर रहे हैं यहां भी हम भलाई की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो पहले तो मैंने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट इज एन एंड और प्रोसेस, मैंने बताया इट इज एन एंड प्लस क्या बोल सकते हैं हम, आउटकम बोल सकते, प्रोसेस नहीं, इट इज एन एंड और आउटकम, और ये क्या है, इट इज अ मींस या प्रोसेस प्लस यहां पे क्या हो और क्या होना चाहिए, प्रोसेस में एंड भी होगा, मतलब इसका अपना आउटकम भी होगा। तो ये मींस की बात क्या कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और आउटकम क्या है, वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब आपने कहा यहां भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दोनों में वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो डिफरेंस क्या है, हाँ अब देखो क्या है कि मैं आपको खाना खिलाऊ रोज फ्री में, ठीक है, मुझे आपको खाना बनाना नहीं आता था तो मैंने कहा मैं आपको रोज खाना बना के खिलाता रहूंगा, या दूसरा तरीका था ये था कि मैं आपको दो दिन खिलाया, तीसरे दिन कहता भैया आओ आज से आप भी खाना बनाना सीखो, बिकॉज आई एम नॉट इटर्नल, इटर्नल नहीं, तो कभी ना कभी तो मुझे भी जाना है और मैं चला जाऊंगा, तब आपका क्या होगा, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी पे भी डाउट हो जाएगा, भाई मैं नहीं रहा तो आप खाना कैसे खाऊंगा। ये जो ऐसे ही है कि अगर मैं आपको फिश पकड़ के खिला दूं या फिशिंग ही सिखा दूं, तो फिशिंग पकड़ के तभी तक खिलाऊंगा जब तक मैं हूं, अगर मैं नहीं रहा तो आप फिशिंग नहीं खा पाओगे फिश, तो इससे बढ़िया क्या है, फिशिंग सिखा दूं, ये बात समझ रहे हो, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने आपको क्या क्या, आओ भैया पार्टिसिपेट करो और इस पार्टिसिपेशन से जो मिलेगा सब बांट लेंगे आपस में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सरकार के पास ढेर सारा टैक्स आता है, फिर बोलती मैं आपको फ्री में राशन दूं, ठीक है, फ्री में राशन दिया जाए तो भैया अगर घर वाले भी आपको ज्यादा दिन फ्री में दे तो हम लोग क्या जाते हैं, मक्कार, कोई काम आम नहीं करना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट होने से बुरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी नहीं देना चाहिए, भाई सब्सिडीज मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो जिनको रिक्वायरमेंट है उनको मिल रही, ठीक है, बट सभी को मिलना अच्छी बात नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, अच्छा पार्टिसिपेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा नहीं, सब खा रहे भाई, सरकार आपको पेंशन दे रही, राशन दे रही, स्कीम सब कुछ फ्री में दे दे, अच्छा है, बट बहुत ज्यादा समय तक अच्छा नहीं है, बिकॉज सरकार के पास भी तो फंड्स लिमिटेड है, अगर वो आपसे काम नहीं करवाएगी तो आपको वो दे भी नहीं पाएगी, एक समय के बाद नहीं दे पाएगी, और भाई आज ये गवर्नमेंट है ये तो दे रही है, कल वो गवर्नमेंट चेंज हो जाए, भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर गवर्नमेंट चेंजेस विद टाइम, भाई कल को ये गवर्नमेंट चेंज हो गई और उन्होंने फ्री में देने से मना कर दिया, तब वो आदमी क्या करेगा जो इसी पे डिपेंडेंट है, काम करेगा, और काम करने की उसको आदत
है, तो मुसीबत होगी या नहीं होगी? इसीलिए हमने क्या कहा, वी फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ वेयर द पार्टिसिपेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी अलोंग विद द सोशल वेलफेयर ऑल द थिंग्स आर अचीव। क्लियर, ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको कैसे मिलता है? यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्री में राशन मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। देन इसके बाद और क्या बताया, सब्सिडीज बताई, पेंशन स्कीम बताई, तो ये क्या है, इट कैन बी अचीव थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, दैट ओल्ड एज पेंशन स्कीम एंड फ्री में कभी कभी आपको देख रहे हो आजकल वो हो रहा है हर किसान के खाते में 2000 रुपए आते हैं भाई। अब जब आप परेशान थे, कोई फ्लड आया सूखा पड़ा तो आपने दे दिया, बट अभी बार बार आने की क्या जरूरत है, क्या कोई इसकी रिक्वायरमेंट है? हाँ, डायरेक्ट किसान किसान के खाते में आते हैं, डायरेक्ट खाते में आते हैं। और जो भी हो कितने समय तक आप दे सकते हो? इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्रेरियन, हर कोई किसान है। दो भाई, हर किसी को 2000 मिलने, कभी आप परेशान थे फ्लड था तो ठीक है दे दिया, बट हर समय देना भी अच्छी बात नहीं है, किसी को डिपेंडेंट बनाना अच्छी बात नहीं है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स, बट यहां पे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स लेते हैं तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैन नॉट बी अचीव्ड विद रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। क्लियर, कैन नॉट बी अचीव विद रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तीन चीजें आने पड़ी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि मैंने आपकी क्लास कंडक्ट करा दी, मेरा काम कि भैया क्लास हो गई। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कि आपने उससे कुछ सीख लिया, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, होगी भाई हमने पढ़ा है और आपने सीख लिया, बट सीखने के बाद हमने क्या कहा, ऐसे मजा नहीं आ रहा, अब आप लोग भी सीखोगे, थोड़ा सा काम आप भी करके लाओ, थोड़ा सा टेस्ट आप भी लिखो, कुछ रिसर्च वर्क आपको भी दे दिया, तो क्या हो गया, आपने करके सीखा, आपका भी पार्टिसिपेशन हुआ, दैट इज योर इंक्लूसिव ग्रोथ। तीनों चीजें समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कौन कौन से, ये आप लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ आर भाई, इंक्लूसिव ग्रोथ से हमें क्या क्या अचीव करना है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे यहां गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी रिडक्शन, ये क्या है, ये हमारा एक गोल है विच कैन बी अचीव थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। देन वुमेन एम्पावरमेंट, भाई हम महिलाओं को घर पे ही रखेंगे, कभी बाहर नहीं निकलने देंगे, तो क्या होगा, वो कुछ सीखेंगी, वो बाहर निकले और सेफली निकल पाए, ये भी क्या है, और जब महिलाएं खुद से इसका प्रयास करेंगी तो ज्यादा बेहतर से हो पाएगा। ठीक है, हम वो बात अलग है, हमको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वली, कि वो इजिली काम कर सके, सब कुछ उनके लिए एसेसिबल हो और सेफ प्लेस हो। क्लियर, देन नेक्स्ट वन इज गुड गवर्नमेंट, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ, गवर्नमेंट अच्छी ना हो तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। देन स्किल बिल्डिंग, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या मिले, इक्वालिटी भी मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले। ठीक है, देन एस
एक्सेस टू इसेंशियल्स जो आपके क्या हो, जो आपके लिए इसेंशियल हो उसके लिए आपके पास क्या हो, उसका एक्सेस हो आपके पास, मजा आएगा ना। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। आप लोग पढ़ क्यों रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्लियर। और आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, नौकरी भी तो होनी चाहिए, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, क्लियर। तो दीज आर ऑल योर कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लियर। देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।